दोस्तों समुद्र में इस भाई ने ऐसा क्या कर दिया कि सार्क मछलियां इसको खाने के लिए इसके पीछे पड़ गई। दरअसल दोस्तों इन्होंने समुद्र के अंदर सार्क मछलियों के अटैक को जानने के लिए अपनी जान पर खेलकर ये खतरनाक एक्सपेरिमेंट कर दिया। दोस्तों ये लोग देखना चाहते हैं कि क्या होगा अगर हम समुद्र के अंदर एक तरफ फिश ब्लड को डाल दें और कुछ ही दूरी पर ह्यूमन ब्लड को डाल दें तो ज्यादातर सार्क किस ब्लड की ओर हावी होंगी। दोस्तों ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है, इसलिए उन्होंने पूरी सेफ्टी के साथ ह्यूमन और फिश दोनों ही ब्लड को पंपिंग मशीन के साथ अलग अलग बोट्स के ऊपर अटैच कर दिया। और जब इन्होंने रिमोट से फिश ब्लड को समुद्र के अंदर पंप किया तो कई सारे सार्क ने फिश ब्लड के ऊपर अटैक कर दिया। और इसके बाद जब इन्होंने ह्यूमन ब्लड को पंप किया तो काफी कम मात्रा में वहाँ सार्क देखने को मिली। मतलब दोस्तों ज्यादातर सार्क इंसानी ब्लड को कम पसंद करती है।